यस प्लीज एवरीवन मार्क योर प्रेझेंटी. सगळ्यांनी प्रेझेंटी मार्क करायची आहे. ओके सेम. सांगा मला चॅट बॉक्स मध्ये स्क्रीन विजिबल आहे का? इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके तर आत्ता बघा इथे तुम्हाला स्क्रीनवर काय दिसत आहे. बघा शाळेचा पहिला दिवस दाखवलेला आहे. ओके थर्ड थर्ड स्टँडर्ड वाल्यांचा फर्स्ट लेसन आहे हिंदीचा पहिला दिन. ओके पहिला दिन बघा काय काय आहे त्या पिक्चरमध्ये. काय काय आहे स्वराज सांग मला. माईक ऑन कर आणि सांग तुला पिक्चरमध्ये काय काय दिसतंय. हाँ अजून काय काय लिहिलेलं आहे. काय काय आहे अजून चित्रात. आदर्श प्राथमिक शाळा, पाठशाळा, भुग्याला माणूस, मुलं, दप्तर आणि सर स्वागत करतात. ओके माइक ऑफ कर. स्नेहा आप बताइए आपको क्या दिख रहा है. यस आप बताइए क्या क्या दिख रहा है पिक्चर में. स्कूल क्या क्या है टीचर स्कूल के अंदर. हाँ स्कूल टीचर चिल्ड्रन यस ओके माइक ऑफ कीजिए स्नेहा. यस सी क्या है. पहला दिन स्कूल का दिखाया गया है. इसमें एक स्कूल की चित्र दिखाई गई है आपको. उसमें बताया गया है स्वच्छता गृह, डिजिटल कक्ष. ओके और इस स्कूल का नाम है आदर्श प्राथमिक पाठशाला. पहले पहला दिन है इसलिए जो टीचर्स है वो बच्चों का स्वागत कर रहे हैं, बच्चों को वेलकम कर रहे हैं स्कूल में. ओके कुछ टीचर्स है जिन्होंने एक टीचर है उन्होंने बलून लिए हुए है जो बच्चों को बलून दे रहे हैं. ओके देखिए पाठशाला को सजाया गया है बहुत अच्छी तरह से. पाठशाला के अंदर एक गार्डन भी दिखाया गया है. ओके और उस पाठशाला को अच्छी तरह से सजाया गया है. तो अभी इस पाठशाला का नाम है आदर्श प्राथमिक पाठशाला. ओके तो इसी तरह से आप सब लोग मुझे एक एक करके अपनी पाठशाला का नाम बताओगे. बरोबर तो आपका हिंदी से लेक्चर है कि नहीं तो तुम्हें हिंदीत बोलायचं आहे माझ्याशी. यस मी जे आंसर विचारेन ते क्वेश्चन विचारेन त्याचा आंसर मला हिंदीमध्ये द्यायचा आहे. मग तुम्ही कसं म्हणणार. आता इथलं जर या स्कूलचं नाव सांगायचं झालं तर मी कसं सांगणार. मेरी पाठशाला का नाम आदर्श प्राथमिक पाठशाला आहे. तसं आता तुम्ही सगळ्यांनी एक एक करून तुमच्या स्कूलचं नाव सांगायचं आहे हिंदीमध्ये. ओके येस वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्वराज. स्वराज माइक ऑन कर. मेरे पाठशाला का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी पर अंतरराष्ट्रीय शाला है. हे यस स्नेहा. स्नेहा आप बताइए. हाँ स्नेहा माइक ऑन कीजिए. बालाजी न्यू स्कूल. ठीक से बताइए. मेरी पाठशाला का नाम ऐसे बताइए. स्कूल ठीक से बताइए फुल सेंटेंस में. का नाम है भारत मेरी मेरी पाठशाला का नाम बोलिए मेरे पीछे. मेरे पाठशाला के नाम बालाजी न्यू स्कूल है. हाँ कुशल कुशल तू सांग. मेरे पाठशाला मेरी का मेरी पाठशाला. मेरी पाठशाला का नाम है मनोदय इंग्लिश स्कूल. मेरी पाठशाला का नाम मनोदय इंग्लिश स्कूल है.
ओके नेक्स्ट है स्पर्श। स्पर्श सांग। गुड आफ्टरनून टीचर, गुड आफ्टरनून। मेरी पाठशाला का नाम मनोदय इंग्लिश स्कूल है। गुड गुड। नेक्स्ट है आयुष। आयुष माइकोन करण सांग। आरुष सर। यस आरुष। आरुष माइक ऑन कराचा है। टीचर, यस से बोल तुझ्या शाळेचं नाव सांग। मेरी पाठशाला का नाम बालाजी न्यू इंग्लिश स्कूल है। गुड यस गुड। माइक ऑफ करायचा आहे। यस बघा सगळ्यांना समजलं। आता आपली पहिली इकाई काय आहे बघा। एक बडबड गीत आहे ऐकायचं आहे आणि माइक ऑफ ठेवून माझ्या मागे बोलायचं आहे। ओके ऐकायचं आहे आणि माइक ऑफ ठेवून माझ्या मागे बोलायचं आहे आणि नंतर मी तुम्हाला ही कविता वाचायला सांगणार आहे। यस चलो पहिली इकाई बघा काय दिसत आहे। पिक्चर मध्ये काय काय दिसत आहे बघा। एक त्यांनी यात्रे एका मिरवणूक काढली आहे बरोबर मुलांची। त्याच्यात मुलं स्कूल टीचर्स आहेत चिल्ड्रन आहेत बघा शाळेकडे सगळे चालले आहेत आणि शाळेत सगळ्यांना शिकवलं जात आहे। येस बघा टन 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 घंटी टंकारे पाठशाला में चलो पुकारे गली मोहल्ला हुआ पुराना नए ज्ञान के दीप जलाना मिलजुल कर हम सॉरी मिलजुल कर सब पढ़ने आओ एक दूजे से हाथ मिलाओ नई नई यह पुस्तक पाओ इसकी मीठी कविता गाओ सखी हमारी पुस्तक रानी रोज सुनाए हमें कहानी बीत गया दिन हो गई शाम बज गई घंटी अब आराम। ठीक बघा काय सांगितलेलं आहे कवितेत बघा क्या क्या बताया है इस कविता में। टन 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 घंटी टकारे पाठशाला में चलो पुकारे मतलब सुबह जब आप पाठशाला जाते हो तब घंटी बजाई जाती है ना उसी घंटी के बारे में यहाँ बताया गया है। गली मोहल्ला हुआ पुराना नए ज्ञान के दीप जलाना आप दिन भर गली अब छुट्टियों में आप क्या करते हो दिन भर आपकी गली मोहल्ले में घूमते रहते हो खेलते रहते हो लेकिन अभी छुट्टियां खत्म हो चुकी है इसलिए आपको अभी नए ज्ञान के दीप जलाने के लिए कहाँ जाना होगा स्कूल में जाना होगा। नए ज्ञान के दीप जलाना क्यों बोला गया है क्योंकि यहाँ पे आप स्कूल में बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हो जो आप घर में रहकर नहीं सीख सकते। ओके मिलजुल कर सब पढ़ने आओ एक दूजे से हाथ मिलाओ मतलब क्या सब लोग एक साथ मिलजुल कर हम जब पढ़ेंगे एक दूसरे से हाथ मिला के मिलजुल कर पढ़ेंगे तो हमें पढ़ना अच्छी तरह से आ जाएगा। हमारे दोस्त को कोई कहानी आती होगी कुछ अच्छी सी कविता आती होगी तो वो हमें बता सकता है। इस तरह हम अगर मिलजुल के पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। नई नई यह पुस्तक पाओ इसकी मीठी कविता गाओ। पुस्तक है हम अगर नए स्टैंडर्ड में प्रमोट हो जाते हैं तो हमें नई नई पुस्तकें मिलती है ना तो क्या कहा गया है इस कविता में कि नए नए पुस्तक लेके आओ और उस पुस्तक में जो कविता है वो पढ़ते वक्त बहुत बहुत मीठी सुनाई देती है। सखी हमारी पुस्तक रानी रोज सुनाए हमें कहानी। पुस्तक रानी को सखी क्यों कहा गया है देखिए आपके दोस्त जब आपको मिलते हैं तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब आपको बताते हैं ना। तुम्ही सगळे एकमेकांना भेटता तेव्हा काय काय झालं आता पॅन्डेमिक मुळे तुम्ही कोणी एकमेकाला भेटू शकत नाही पण जेव्हा तुम्ही स्कूल मध्ये जाणार पॅन्डेमिक संपल्यावर तेव्हा तुम्ही तुमच्या मित्रमैत्रिणींशी गप्पा मारणार ना काय काय झालं म्हणजे तुम्ही सगळ्या वेगवेगळ्या गोष्टी सांगणार। तसेच पुस्तक सुद्धा आपला एक मित्र किंवा मैत्रीण आहे जे आपल्याला रोज रोज वेगवेगळ्या गोष्टी सांगतं। बीत गया दिन हो गई शाम बज गई घंटी अब आराम। मग मुलं काय म्हणत आहेत पूर्ण दिवस शाळेत गेला आणि आता
संध्याकाळ झाली आहे आणि शाळेची सुट्टीची घंटा सुद्धा वाजली आहे. मग आता आम्हाला आराम आहे, आता आम्ही सगळे घरी चाललो. ओके, समझी है सबको कविता? बताइए मुझे चैट बॉक्स में, आप सबको ये कविता समझ में आई है? सगळ्यांना कविता समजलेली आहे का सांगा मला चैट बॉक्स मध्ये. यस टीचर, ओके चला, आता कोण रीड करणार? नाव लिहा चैट बॉक्स मध्ये, कोण वाचणार ही कविता? यस स्पर्श, माइक चालू कर. यस टीचर। टन 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 घंटी टकारे पाठशाला में, चलो पुकारे गली मोहल्ला, हुआ 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 पुराना, पुराना नहीं, हुआ पुराना नहीं नाई के दीप। वेट वेट. दिसता है ना आता? नहीं हाँ वाच. के दीप, नए ज्ञान के नए ज्ञान के दीप जलाना. ना मिलजुल कर सब पढ़ने आओ, एक दूजे से हाथ मिलाओ। नई नई यह पुस्तक पाओ, इसकी मीठी कविता गाओ। सखी हरी पुस्तक, सखी हमारी, सखी हमारी पुस्तक रानी, रोज सुनाओ, सुनाए सुनाए हमें कहानी। बीत गया दिन, हो गई शाम, गई घंटी, अब आराम। वेरी गुड स्पर्श, माइक ऑफ कर. नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? और ओके गार्गी. यस मैम कहाँ से पढूं? यस ओके. आता हा पैराग्राफ वाच. टन 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 घंटी टंकारे पाठशाला में, चलो पुकारे। गली मोहल्ला हुआ पुराना, नए ज्ञान के दीप जलाना। मिलजुल कर सब पढ़ने आओ, एक दूजे से हाथ मिलाओ। नई नई यह पुस्तक पाओ, इसकी मीठी कविता गाओ। सखी हमारी पुस्तक रानी, रोज सुनाए हमें कहानी। बीत गया दिन, हो गई शाम, बज गई घंटी, अब आराम। ओके गुड गार्गी. एस एनीवन एल्स? अजून कोणी वाचून दाखवणार? येस स्वराज, माइक ऑन कर. टन 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 घंटी टंकारे पाठशाला में, चलो पुकारे। गली मोहल्ला हुआ पुराना, नए ज्ञान के दीप जलाना। मिलजुल के सब पढ़ने पढ़ने आओ, आओ. एक दूजे से साथ मिलाओ, हाथ हाथ मिलाओ. मिलाओ। नई नई पुस्तकें पाओ, इसकी इसकी मीठी मीठी कविता गाओ। सखी हमारी पुस्तक रानी, रोज नई नई, रोज रोज सुनाए. सुनाए हमें कहानी। बीत गया दिन, हो गई शाम, बज गई घंटी, अब आराम। यस गुड. नेक्स्ट कुशल, कुशल वाट्स. कुशल माइक ऑन कर वाट्स. यस टीचर।
हाँ पोयम वाच। घंटी तकारे पांच हाँ चलाने चलो फुकारे। गली मोहल्ला। हुआ पुराना। हुआ पुराना हाँ मिलजुल नए ज्ञान के दीप कर जलाना। नया ज्ञान के दीप जलाना मिलजुल कर सब पढ़ने एक आओ एक दूजे से दूसरे एक दूसरे से हाथ मिलाओ। बात। नई नई से पुस्तक पाओ इसकी इसकी मीठी। मीठी कविता गाओ। हाँ सखी हमारी पुस्तक रानी रोज सुनाए हमें कहानी बीत गया तो हो गई शाम बज गई घंटी। अब ओके यस अरे माइक ऑफ कर क्वेश्चन से आप पढ़िए। तंतन हटी घंटी टंकारे। तंतन हटी टंकारे पांच साला चलो पुकारे गली मोहल्ला हुआ पुराना नया नए ज्ञान के नए ज्ञान के दीप दीप जला जो। हाँ मिलजुल के सब पढ़ने आओ एक दूसरे से हाथ मिलाओ नया नया पुस्तक नई 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 यह पुस्तक नई पाओ। नई पुस्तक पाओ उसकी मीठी कविता गाओ हाँ पुस्तक ओ मतलब हमारी हमारी सखी हमारी। पुस्तक हमारी सखी सखी रानी हमारी पुस्तक रानी। सखी हमारी पुस्तक रानी रोज सुनाए हमें कहानी बीत गया दिन हो गया शाम हो हो गई शाम। गई शाम बच हाँ गई मिट्टी अब आराम। यस वेरी गुड। आरुष आरुष सुपर्ण वात्सल माइक ऑन कर आरुष। यस टीचर। टंग हाँ रेड। टंग टंग घंटी टंगारे टंकारे। पाठशाला में चलो पुकारे हाँ गली गली मोहल्ला। मोहल्ला हुआ पुराना हाँ नए नए ज्ञान के ज्ञान के नई ज्ञान के दीप जलाना हाँ मिलजुल कर मिलजुल कर सब पढ़ने आओ। सब पढ़ने आओ एक दूजे से। जैसे हाथ मिला। हाथ मिलाओ बात।
नहीं, यह नई यह पुस्तक है। नई पुस्तक नई हो पाओ। पुस्तक पाओ हाँ इस अच्छा। की मीठी कविता गाओ। सखी हमारी। सखी हमारी पुस्तक रोज सुनाए। रोज सुनाए हमें कहानी बीत गया दिन हो गई शाम हाँ, बज गई घंटी। गई घंटी अब आराम। वेरी गुड। ओके, सगळ्यांना कविता समजलेली आहे। आता मी तुम्ही छान सगळ्यांनी वाचून दाखवली, बघा किती मस्त रीडिंग करता आला आता तुम्हाला सगळ्यांना। आता मी एकदा परत कविता वाचून दाखवणार आहे, ज्याला कोणाला कविता येत असेल, पाठ झाली असेल, त्याने ती मला बोलून दाखवायची आहे। ओके, देखिए मैं आपको सबको फिर से पढ़ने के दिखाने वाली हूँ दो बार, जिसको लर्न हो गई है वो मुझे बोल के बता सकता है। टन 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 घंटी टंकारे, पाठशाला में चलो पुकारे, गली मोहल्ला हुआ पुराना, नए ज्ञान के दीप जलाना, मिलजुल कर सब पढ़ने आओ, एक दूजे से हाथ मिलाओ, नई नई यह पुस्तक पाओ, इसकी मीठी कविता गाओ। सखी हमारी पुस्तक रानी, रोज सुनाए हमें कहानी, बीत गया दिन हो गई शाम, बज गई घंटी अब आराम। ओके, फिर से सुनिए एक बार। टन 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 घंटी टंकारे, पाठशाला में चलो पुकारे, गली मोहल्ला हुआ पुराना, नए ज्ञान के दीप जलाना, मिलजुल कर सब पढ़ने आओ, एक दूजे से हाथ मिलाओ, नई नई यह पुस्तक पाओ, इसकी मीठी कविता गाओ। सखी हमारी पुस्तक रानी, रोज सुनाए हमें कहानी, बीत गया दिन हो गई शाम, बज गई घंटी अब आराम। ओके, कौन मुझे बिना देखे बोल के बताएगा? किसी की लर्न हुई है? यस, किसी की लर्न हुई है? थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट, कोणाची लर्न झाली आहे कविता? ओके, स्पर्श स्पर्श बोल, माइक ऑन कर। यस टीचर। टन टन वेरी टन टन घंटी पुकारे टकारे पाठशाला गुड। बोल। में चलो पुकारो पुकारे पुकारे कारे। हाँ, गली मोहल्ला हुआ पुराना नए हाँ, नई नए ज्ञान के। नए ज्ञान के दीप जलाना मिलजुल कर सब पढ़ने आओ एक दूजे से हाथ मिलाओ। नई 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 यह पुस्तकें पाओ पुस्तक पाओ। की पुस्तक पाओ किसकी मीठी कविता गाओ। सखी हमारी पुस्तक रानी रोज सुनाए हमें कभी बीत गया दिन हो गई शाम बच्ची अब आराम। वेरी गुड। सी, आता आपण थर्ड ची कविता बघितली, आता आपण फोर्थ वाल्यांचं बघायचं आहे। तोपर्यंत थर्ड च्या मुलांची ही कविता पाठ झालेली पाहिजे मला। ओके, कुशल, स्पेशली कुशल आणि स्वराज, तुम्हा दोघांची ती कविता पूर्णपणे पाठ झालेली मला पाहिजे। ओके, सगळ्यांनी लक्ष द्यायचं आहे इथे। आता फोर्थ स्टँडर्ड स्टुडंट्स, आपण बघा
तुमचा पहिला लेसन घेऊया. पहिला लेसन आहे तुमचा स्वतःचा इंट्रोडक्शन. ओके, हम वर्षभर हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम तुमसे बातचीत करेंगे. त्याचं नाव आहे कबीर आणि ती आहे मीरा. ओके, कबीर म्हणतोय वर्षभर हम तुम्हारे साथ रहेंगे, मीरा म्हणते हम तुमसे बातचीत करेंगे. असं का ते म्हणतायत? कारण आपल्याला पुढे जे काही लेसन आहेत त्यामध्ये मीरा कबीर हे आपल्या सोबत राहणार आहेत. ओके, आपल्याला काही मुलं मुली लेसन मध्ये दिसणार आहेत, त्यांच्याबद्दल आपल्याला शिकायचं आहे. बरोबर, मग वर्षभर आपल्या ते सोबत राहणार आहेत, आपलं 4थीचं पूर्ण वर्षभर. येस, आणि अजून कोण कोण दाखवलेलं आहे बघा त्या चित्रामध्ये? नानाजी नानीजी. नानाजी नानीजी म्हणजे आपल्या आईचे आई आई बाबा. ओके, आपल्या मम्मीचे आई बाबा, त्यांना हिंदीमध्ये म्हणायचं नानाजी नानीजी, ग्रँड मदर ग्रँडफादर. ओके, नेक्स्ट आहे दादाजी दादीजी. मग आपल्या वडिलांचे आई बाबा असतात, आपल्या पप्पांच्या आई बाबांना काय म्हणायचं? दादाजी दादीजी. ओके, नेक्स्ट इथे बघा मामाजी मामीजी. आपल्या आईच्या भावाला आपण मामा म्हणतो की नाही? मग त्याच्या बायकोला म्हणायचं मामी, मामाजी मामीजी. देन चाचाजी चाचीजी, म्हणजेच आपल्या वडिलांच्या भावाला ज्याला आपण काका म्हणतो, हिंदीमध्ये म्हणायचं आहे चाचा चाचाजी. आणि त्याच्या बायकोला म्हणजे काकीला म्हणायचं आहे चाचीजी. येस, देन मौसाजी मौसीजी. आपल्या आईच्या बहिणीला आपण मावशी म्हणतो की नाही? मग मराठीत म्हणायचं आहे मौसी मौसी. आणि तिच्या नवऱ्याला म्हणायचं आहे मौसा मौसाजी मौसीजी. ओके, तसंच आईच्या बहिणीला जसं आपण मावशी बोलतो, तसं आपण आपल्या वडिलांच्या बहिणीला काय म्हणतो? आत्या म्हणतो की नाही? हिंदीमध्ये तिला बुवा असं म्हटलं जातं. ओके, आत्याला हिंदीमध्ये बुवा म्हणतात आणि तिच्या नवऱ्याला फुफा म्हणतात. म्हणून बुवाजी फुफाजी. आणि नेक्स्ट आहे लास्ट आहे माताजी पिताजी, तुमच्या आई बाबा मम्मी पप्पा. ओके, नेक्स्ट लास्ट लाईन काय सांगितलेली आहे बघा? मेरा नाम डॅश डॅश है. ओके, जरा सगळ्यांनी लिहून घ्या, मेरा नाम डॅश डॅश है. चला सगळ्यांनी लिहा, थर्ड फोर्थ दोन्ही स्टँडर्डच्या मुलांनी लिहायचं आहे. येस, हिंदी आहे आपला, हिंदीमध्ये तुम्हाला लिहायचं आहे मेरा नाम हे. चला चला सगळ्यांनी लिहून घ्या आणि तिथे तुमचं नाव लिहायचं आहे. ओके, चला लवकर, मेरा नाम डॅश डॅश हे. येस एव्हरीवन, फोर्थ आणि थर्ड स्टँडर्ड स्टुडंट सगळ्यांनी लिहायचं आहे सेंटेन्स आणि रिकाम्या जागी तुमचं नाव लिहा. चला लवकर, चॅट बॉक्स मध्ये कम्प्लीट किंवा डन लिहा झाल्यावर. येस, चला बी फास्ट एव्हरीवन. झालं? हुआ सबका लिख के? ओके, गुड. ठीक, तो नेक्स्ट देखेंगे हम क्या है. ओके, बघा नेक्स्ट आहे अभिवादन. अभिवादन म्हणजे नमस्कार. ओके, फॉर फोर्थ स्टँडर्ड स्टुडंट लक्ष द्या सगळ्यांनी, स्पेशली तुमच्यासाठी आहे. तोपर्यंत थर्ड स्टँडर्डच्या मुलांनी कविता लर्न करायची आहे. बघा अभिवादन म्हणजे काय, बघा व्हॉट इज अभिवादन. अभिवादन क्या होता है? जब आप किसी से मिलते हो तब तो आप उसको नमस्ते, सुबह होगी तो गुड मॉर्निंग,
आता बघा, क्लासमध्ये एंटर केल्यावर आपला क्लास 3 चा असतो, दुपारी 3 ते 4 चा. तुम्ही सगळे मला गुड मॉर्निंग टीचर म्हणता की नाही, गुड आफ्टरनून टीचर म्हणता की नाही, मग ते काय झालं, तुम्ही मला केलेलं अभिवादन. ओके येस, समझा है आपको अभिवादन क्या होता है? अगर आप किसी से बात करते वक्त उनको नमस्ते या फिर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट इस तरह से बोलते हो तो उसे अभिवादन कहा जाता है. ओके समझा है सबको अभिवादन क्या है? क्या हम लेसन शुरू कर सकते हैं? यस हम लेसन शुरू कर रहे हैं अभी. बताइए मुझे अभिवादन क्या है, समझा है सबको? एवरीवन प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, समझले का तुम्हाला अभिवादन म्हणजे काय? स्पर्श, आरुष, स्नेहा गार्गी, समझले का तुम्हाला अभिवादन क्या होता है, समझा है आपको? ओके चलिए देखिए क्या दिख रहा है इस पिक्चर में आपको. शिक्षक है, शिक्षक स्कूल के बच्चों को नमस्ते बच्चों बोल रहा है. ओके शिक्षक क्या बोल रहे हैं? नमस्ते बच्चों. तभी बच्चे क्या बोल रहे हैं? सब बच्चे बोल रहे हैं नमस्ते नमस्ते. देखिए हाथ जोड़े हैं सबने. ओके देन देखिए वो बच्ची जो घोड़े पे बैठी है वो क्या बोल रही है छोटे बच्चे को? सुप्रभात, तू मेरे साथ खेलेगा? मतलब वो बोल रही है गुड मॉर्निंग, तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? और वो बेटा अपनी माँ के पैर पड़ रहा है, तो वो बोल रहा है आपको प्रणाम. तो ये प्रणाम करना या फिर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ये सब विश करना, ये इसी को हिंदी में अभिवादन कहा जाता है. ओके तो अभिवादन करने के बहुत सारे तरीके हैं. ओके पण मराठीत काय म्हणणार, मराठीत आपण काय म्हणणार सांगा मला. मराठीत तुम्ही एकमेकांना भेटल्यावर काय म्हणणार सांगा मला, कोण सांगणार? चॅट बॉक्स मध्ये नाव लिहा, हु विल टेल मी. मराठी में आप अभिवादन कैसे करोगे? हाँ स्पर्श सांग. नमस्कार. वेरी गुड, मराठी मध्ये आपण नमस्कार म्हणतो, इंग्लिश मध्ये आपण हॅलो म्हणतो, हॅलो गुड मॉर्निंग, हाय गुड मॉर्निंग असं म्हणतो. हिंदी मध्ये आपण नमस्ते म्हणतो. येस तसंच वेगवेगळ्या भाषांमध्ये अभिवादन करण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. मॉमेडियन लोकांमध्ये ओके मुस्लिम जमातीमध्ये मुस्लिम जातीमध्ये अस्लामु अलेकुम असं म्हटलं जातं. ओके अस्लामु अलेकुम असं म्हटलं जातं. येस समजा है? देन जो साउथ इंडियन होते हैं ओके जो साउथ इंडियन लोग होते हैं उनमें अभिवादन किस तरह किया जाता है? वणक्कम. ओके वणक्कम ऐसे करके उनमें अभिवादन किया जाता है. मराठी मध्ये आपण नमस्कार नमस्कार असं म्हणून अभिवादन करतो. आणि इंग्लिश मध्ये गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, तुम कैसे हो, गुड मॉर्निंग करके अभिवादन किए जाते हैं. ओके और जो सिख होते हैं वो क्या करते हैं? सत श्री अकाल इस तरह से ये शब्द कहकर अभिवादन करते हैं. ओके यस तो देखिए अपने से छोटों के लिए तू तथा हम उम्र के लिए तुम और अपने से बड़ों के लिए आदर सूचक शब्द आपका प्रयोग करते हैं. अगर आपको तो आपसे छोटे है ओके अगर आपसे छोटे कोई भाई बहन है आपके या फिर आपके फ्रेंड्स है जो उम्र में आपसे छोटे है उनको आप तू करके बुला सकते हैं. तू कैसा है, तू कैसा है, ये तू मेरे साथ खेलेगा क्या, इस तरह से आप बोल सकते हो. ओके जो आपके हम उम्र है, हम उम्र है, हम उम्र में मतलब आपके ही उम्र के, अगर आप थर्ड में हो और वो भी थर्ड में है, आप फोर्थ में हो तो वो भी फोर्थ में है, तो आप उसको कैसे बोलोगे? तुम कैसे हो, तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे, इस तरह से बोलना है. ओके और अगर जिनसे आप बात कर रहे हो वो आपसे बड़े हैं, ओके आप सबसे अगर बड़े हैं तो आप उनसे आप कह के बात करोगे. ओके रिस्पेक्ट दे के आदर सूचक शब्द है आप, तो आप कैसे बात करोगे?
आप कैसे हैं? आपने खाना खाया क्या? आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हो? इस तरह से आप उनसे बात करोगे। ओके, अभिवादन सबको समझ में आया है? बताइए मुझे, फोर्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट सब गया ना, अभिवादन ही लेसन समझ लाय का? कशा प्रकारे सब गया ये? ओके, कशा प्रकारे सगळे जण वेगवेगळ्या जातींमध्ये किंवा वेगवेगळ्या भाषिक लोक, वेगवेगळ्या भाषेची लोक कशा प्रकारे अभिवादन करतात? यस, चला मला कोण सांगणार इंग्लिश मध्ये कसं अभिवादन करतात? लिहा चैट बॉक्स मध्ये नाव। हु विल टेल मी इंग्लिश में अभिवादन किस तरह किया जाता है? स्पर्श सैम, गुड मॉर्निंग, गुड ओके आफ्टरनून। ओके, हेलो, हाय, इस तरह से। और मराठी मध्ये कसं केलं जातं? गार्गी सांग, मराठी में अभिवादन किस तरह किया जाता है? गार्गी बताइए। येस गार्गी, माझा आवाज येतोय का? ओके स्वराज, तू सांग मराठी में अभिवादन किस तरह किया जाता है? नमस्कार। ओके, माइक ऑफ करा सगळ्यांनी। एवरीवन विल पुट ऑफ देयर माइक, प्लीज एवरीवन पुट ऑफ योर माइक। यस, मुस्लिम कम्युनिटी में अभिवादन किस तरह किया जाता है? स्नेहा बताइए मुझे। ये स्नेहा बताइए, मैंने अभी आपको सिखाया है, बताइए जल्दी से मुझे। कौन सांगनार मुस्लिम कम्युनिटी में? यस गार्गी सांग, सांगा मला कोण सांगणार, कौन बताएगा मुस्लिम कम्युनिटी में अभिवादन किस तरह से किया जाता है? मैंने अभी आपको सिखाया है। अस्सलाम वालेकुम। ओके गुड, यस। और साउथ इंडियन कम्युनिटी में किस तरह किया जाता है? साउथ इंडियन मद्रासी कन्नड़ जो लोग होते हैं उनमें किस तरह किया जाता है? स्वराज सांग, वनकम। वेरी गुड। नेक्स्ट है सिख, सिख कम्युनिटी में किस तरह से किया जाता है? सिख कम्युनिटी में कौन बताएगा मुझे? ओके गार्गी तू सा, सस्लिया ओके गुड। ओके तो आपको सबको समझ में आ गया है अभिवादन किस तरह से करना है। तो अभी हम एक लेसन रीड करके लेंगे सबका, सगळ्यांनी मला वाचून दाखवायचं आहे। ओके आपण ठरवलेलं आहे आपण आपली रीडिंग घेणार। यस ओके, तो फर्स्ट आहे गार्गी, गार्गी सुरुवात कर आणि मी स्टॉप सांगत नाही तिथपर्यंत वाचत राहायचं आहे। ओके यस मैम। तृतिक और अंकिता दोनों भाई बहन बहुत ही समझदार थे। उनके पड़ोसी के आंगन में एक बहुत सुंदर बगिया थी। वे सोचते सोचते काश उनके घर में भी ऐसी बगिया होती, पर उनके घर बगिया उन्हें उगाने उगाने के लिए। के लिए जगह जगह ही कहा थी। ओके वेट उनकी वेट, माँ स्टॉप स्टॉप स्टॉप,
नेक्स्ट है स्पर्श, स्पर्श तू वाच, कारगिने वाचल्या तिथून त्याच्या पुढून वाचायचं आहे. यस टीचर. येस. आता ही लाईन दिसते तुला, मी जिथून सुरुवात केली आहे स्क्रीनवर दाखवते तिथून वाचायला सुरुवात कर. बघिया. घर बगिया उगाने के लिए कहाँ दी थी उनकी माँ को जब वेट भी. वेट 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 वेट. हाँ वाट्स. उनकी माँ को जब भी पूजा के लिए फूलों जरूरत. की जरूरत होती थी दोनों को पड़ोस के घर भेजती वे फूल ले आते. एक दिन जब वे दोनों फूल लेने गए तो पड़ोस की आंटी ने उनसे कहानी कहा, बेटा रोज फूल कहाँ से आएंगे आएगा आएंगे आए आएंगे. दो दो चार फूल बचे हैं ले जाओ. ओके स्टॉप स्टॉप. नेक्स्ट नेक्स्ट इज स्वराज. रेड. स्वराज आवाज येतोय यस माझा? हाँ वाच. मैम. आंटी के बात आंटी की सुनकर बात. वे उदास हो गया गए. उदास हो गए. एक दिन दोनों ने दूरदर्शन पर देखा कि गमले में भी पौधे उगाए. उगाए जा सकते हैं. वे बड़े खुश हुए. उन्होंने यह बात अपने माता पिता को बताई. वे पौधे लगाने के लिए गमले ले ले आए. हाँ आए बस. गमलों में दोनों ने मिट्टी डाली. उनमें खाद और पानी मिलाकर फूलों के पौधे लगा दिए. लगा दिए. वे रोज ये रोज पौधों की. पौधों की अच्छी तरह देखभाल. देखभाल. देखभाल करते थे. ओके स्टॉप. गुड. नेक्स्ट है आरुष. आरुष माइक कौन कर आने वाज.
यस आरुष, रीड कर। धीरे धीरे पौधों में फूल खिलने लगे। गमलों में खिले हाँ खिले फूल देख उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाँ घर घर फूलों की खुशबू खुशबू से हाँ महक उठा हाँ आवाज उनकी बगिया देखने हाँ पड़ोसी वाली आंटी पड़ोस हाँ बराबर बात और अंकल अंकल पर अंकल अंकल भी आ गए आए आए गए दोनों बात को हाँ घर शाबाशी शाबाशी देते हुए अंकल अंकल ने हाँ कहा सचमुच हाँ जहाँ जहाँ वहाँ राह ओके यस माइक ऑफ करायचा आहे आरुष। यस नेक्स्ट इज कुशल। कुशल माइक ऑन कर। कुशल माइक ऑन कर। यस टीचर। हाँ वाट्स थेला हाँ बैंगनी बैंगनी हाँ रहता रहता
रंग, दूसरा दूसरा हाँ हाँ रंग आसमान के आसमानी आसमानी आसमान की पीछे हाँ राम हरा हरा और फिर पीला ओके अतः पैराग्राफ वर्ड्स मैं एक जोकर चोकर रंग बिरंगी कपड़े पहना था पहनता वेट व्हाट पहनता हूँ चेहरे पर सफेद हाँ और नाम पर नाक पर लाल लाल हाँ गेंद सॉरी बस खेत चिपकता चिपकाता चिपकाता हूँ वो हाँ मेरे बाल सफेद काले दो और घुंघराले घुमराले हे ओके स्टॉप नेक्स्ट इज स्नेहा स्नेहा आप पढ़िए सदा सदा उछलता उछलता कुत्ता कुत्ता हाँ हंसता हाँ हंसता हूँ हंसाता हूँ हंसाता हूँ हाँ तो कभी 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 उसके पास के साथ हाँ भागता हूँ भागता भगाता हूँ भागता भगाता हूँ चित्र विचित्र चित्र हाँ अब हाव भाव अभाव कर कभी कभी फिसलता हाँ फिसलता फिसलता हो फिसलता तो
फिसलता तो कभी गिरता, हाँ फिसलता तो गिरता बेटा। हाँ पढ़िए। कभी फिसलता, कभी फिसलता मतलब गिरता, गिरता हो हूँ नेक्स्ट लाइन पढ़िए। एक मैं, नहीं ऊपर वाला, मुझे मुझे दया देख कर कर, देख कर। देखकर हम्म, बाल बाल मतलब बच्चे हाँ बाल बच्चे। बाल बच्चे आ लाल केला आला हल्ला अल्ला हल्ला, अल्लाह गशक गुल्ला गुल्ला अल्लाह हाँ गुल्ला मचाते। मचाते हैं। ओके स्टॉप, गुड। ओके एस, देखिए अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो आपने अभी देखा कि स्नेहा कैसे पढ़ रही थी, अलगाना आ। ओके इस तरह से आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको पढ़ना बहुत अच्छी तरह से आ जाए। ओके अपन आता आज का ही शिक लो, फोर्थ स्टैंडर्ड से अपन अभिवादन लेसन शिक लो, आणि थर्ड स्टैंडर्ड साठी अपन पहिली काही एक कविता पाहिली। ओके ते सगळं दोन्ही सगळ्यांना समजलं आहे का सांगा मला एकदा चॅट बॉक्स मध्ये सांगा, रिप्लाय द्या चॅट बॉक्स मध्ये। येस ओके, तर आता तुम्ही क्लास लेफ्ट करू शकता। येस बाय बाय एवरीवन, टीचर बाय बाय टीचर। बाय।